फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर हेमलता और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी कि कोविड के केसेस में हम कौन सी ऐसी मेडिसिन यूज कर सकते हैं और पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल को हम बहुत ही जल्दी सुधार सकते हैं, और जिन पेशेंट्स को भी ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, निमोनिया के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, कैसे हम उन केसेस को होम्योपैथी मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन आप अपने घर में लाकर जरूर रख सकते हैं, और अगर आपके आसपास कोविड केसेस हैं जहां पर आप ये मेडिसिन देना चाहते हैं तो आप उनको देकर सिम्टम्स को मैच कर आप देख सकते हैं अगर उनको इन मेडिसिन से फायदा हो सके। तो ये वीडियो जो है ये आप अंत तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहिए। जो फर्स्ट मेडिसिन है फ्रेंड्स हाइपोक्सिया केसेस में जो हम दे सकते हैं वो है एंटीमोनियम टार्ट। एंटीमोनियम टार्ट को हमें 30 पोटेंसी में देना है। एंटीमोनियम टार्ट का मेन सिम्टम्स की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें पेशेंट की छाती में बहुत ज्यादा म्यूकस भरा होता है, उसको बलगम भरा होता है, वो बलगम को निकालने की कोशिश करता है, उसके लिए उसको बहुत ज्यादा खांसी होती है, कफ होती है, लेकिन पेशेंट से बिल्कुल भी म्यूकस नहीं निकलता है। जो उसकी छाती है वो बलगम से भरी होती है, उसको सांस लेने में जिसकी वजह से उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, वो छोटे छोटे सांस लेने शुरू करता है, उसकी हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है, लेकिन ये डेवलप होती है ड्यू टू म्यूकस, क्योंकि म्यूकस छाती में बहुत ज्यादा भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज्यादा ड्राउजी फील करता है, वो लेटने की कोशिश करता है लेकिन उसको सांस बहुत ज्यादा चढ़ता है, उसको खांसी बहुत ज्यादा होती है। पेशेंट को सिर्फ आराम मिलता है राइट साइड में लेटने से, जैसे ही पेशेंट राइट साइड पे लेटता है उसको कफ में थोड़ा आराम मिलता है, अदरवाइज उसको किसी पोजीशन में आराम नहीं मिलता है, उसको बैठना पड़ता है कफिंग के लिए, बहुत ज्यादा खांसी होती है, छोटी छोटी सांस आ रही होती है उसको, लेकिन बलगम बिल्कुल नहीं निकलती। जैसे हम उसको एंटीमोनियम टार्ट 30 को अगर हम दो दो बूंद दिन में 4 बार पेशेंट को देते हैं तो आप देखेंगे कि जो उसका म्यूकस है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है, वो थ्रू स्टूल या थ्रू वॉमिट उसका सारा म्यूकस जो है वो निकल जाता है और पेशेंट की जो सांस है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तो हाइपोक्सिया कंडीशन जिसमें कि म्यूकस की वजह से हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हो रही हो, एंटीमोनियम टार्ट जो है वो बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। अगली जो मेडिसन है फ्रेंड्स जो बहुत ही अच्छा काम कर रही है कोविड केसेस में वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है मेडिसन वो आपको 200 पोटेंसी में यूज करनी है। फॉस्फोरस 200 आपको आधे आधे घंटे में 3 बार लेनी है। अगर आपको उससे आराम मिलता है तो आप उसको 2-3 दिन के लिए सुबह शाम आप 200 पोटेंसी में 2-2 बूंद जो है वो 2-3 दिन तक ले सकते हैं। फॉस्फोरस की मेन जो सिम्टम्स की बात करें तो इसमें हाइपोक्सिया होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, कफ की वजह से पेशेंट को कफ इतनी ज्यादा होती है कि अगर पेशेंट बोलता है, हंसता है और थोड़ा सा भी खाना खाने की कोशिश करता है या पढ़ने की कोशिश करता है तो उसकी खांसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसको छाती में बहुत ज्यादा कंस्ट्रिक्शन फीलिंग होती है, जकड़न फील होती है पेशेंट को छाती में, और उसको गले में बहुत ज्यादा पेन होती है। पेशेंट को जब भी खांसी आती है उसका पूरा शरीर जो है वो कांपने लगता है, क्योंकि उसको छाती में इतनी ज्यादा जकड़न होती है कि पेशेंट को खांसी करने में भी डर लगता है, इसलिए वो अपनी खांसी को बार बार रोकने की कोशिश करता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम फॉस्फोरस पेशेंट को देते हैं निमोनिया की कंडीशन में, जब पेशेंट की खांसी कंट्रोल ना हो रही हो, तो उस केसेस में फॉस्फोरस 200 फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर हम पेशेंट को फॉस्फोरस देते हैं तो उसकी जो कफ है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है और जो हाइपोक्सिया की कंडीशन बन रही होती है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अगली जो मेडिसन है फ्रेंड्स वो है इपिकैक। इपिकैक को आपको 30 पोटेंसी में लेना है, 2-2 बूंद दिन में 4 बार। इपिकैक का जो मेन सिम्टम है फ्रेंड्स वो है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। पेशेंट को जो चेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रिक्टेड फील होती है, क्योंकि उसकी छाती में बहुत ज्यादा बलगम भरा होता है, लेकिन पेशेंट जैसे ही उसको निकालने की कोशिश करता है उसका बलगम नहीं निकलता है, उसको कॉन्स्टेंटली कफ होता है, हर सांस के साथ पेशेंट को कफिंग होती है, उसको खांसी होती है, लेकिन बलगम बिल्कुल भी नहीं निकलता है। उसके अलावा पेशेंट को नौजिया और वॉमिटिंग सेंसेशन जो है वो हमेशा बनी रहती है। पेशेंट को हमेशा ऐसा लगता है उसको वॉमिट आ रही है, जब भी उसको वॉमिट आती है उसमें खाना, ब्लड, थोड़ा बहुत ब्लड भी निकलता है, म्यूकस निकलता है, लेकिन पेशेंट को छाती में बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है। अगर ऐसे सिम्टम हो और साथ में आंखों में लाली हो, बहुत ज्यादा पानी निकल रहा हो आंखों से, तो उस केसेस में अगर हम इपिकैक 30 पोटेंसी को दिन में 4 बार 2-2 बूंद करके देते हैं तो पेशेंट को बहुत ही जल्दी आराम मिलता है, और जो उसकी हाइपोक्सिया की कंडीशन बन रही होती है उसमें भी पेशेंट की जो ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है फ्रेंड्स वो है काबोवेज। काबोवेज जो है उसको आपको 200 पोटेंसी में यूज करना है। 200 पोटेंसी 2-2 बूंद दिन में 3-4 बार आप यूज कर सकते हैं।
कार्बोवेज जो है वो उन पेशेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जो कि बहुत ज्यादा वीक हो चुके होते हैं, जिनको छाती में बहुत ज्यादा म्यूकस होती है, उनको बहुत ज्यादा खांसी हो रही होती है, लेकिन उनमें इतनी वीकनेस होती है कि उनकी जो बॉडी है वो सांस लेने में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। इवन वो अपनी सांस को खींच नहीं पाते हैं, उनको इंस्पिरेशन करने के लिए और सांस को बाहर छोड़ने के लिए भी उनमें ताकत नहीं होती है। पेशेंट जो है वो गैस्प कर रहा होता है एयर के लिए, उसको वो चाहता है कि उसके पास जो है फैनिंग की जाए, लाइक उसको इतनी ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है कि वो चल नहीं पाता ड्यू टू ऑक्सीजन, उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा कमी हो जाती है कि पेशेंट को चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और वो चाहता है कि कोई उसके पास बिल्कुल उसके मुंह के पास आकर फैनिंग करे, उसको जोर जोर से पंखा करे, क्योंकि उसको एयर हंगर हो रही होती है, उसको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही होती है। तो ऐसे केसेस में कार्बोवेज जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। कार्बोवेज का जो पेशेंट है उसको अंदर से बर्निंग हो रही होती है बहुत ज्यादा, उसको दिल करता है कोई ठंडी ठंडी चीज वो पिए, लेकिन बाहर से अगर हम उसकी बॉडी को टच करते हैं तो बहुत ही ज्यादा ठंडी हो रही होती है उसकी बॉडी पेशेंट की, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो रही होती है। तो ऐसे केसेस में जहां पर बहुत ज्यादा एयर हंगर हो रही हो, स्पेशली लेट केस में, जब लेट स्टेजेस जो है निमोनिया की वो आ जाती है, बहुत ज्यादा बलगम भर जाती है, पेशेंट को बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, तो जो कार्बोवेज है वो बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है और पेशेंट की जो कंडीशन है वो कार्बोवेज लेने से बहुत ही जल्दी सुधरने लगती है। मेडिसिन जो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है वेनेडियम। वेनेडियम स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जिनके ब्लड में हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से उनको हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम हो रही हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, उनके लिए वेनेडियम बहुत ही अच्छा काम करती है। स्पेशली जिन लोगों को बहुत ज्यादा भूख ना लगती हो, जिनको बहुत कम भूख लगती हो, जो बिल्कुल भी जिनको खाना खाने का दिल ना करता हो, उनके साथ ही उनमें अनीमिया की प्रॉब्लम हो, खून कम हो जिनमें, और साथ ही अगर पेशेंट, कई पेशेंट में अगर बॉडी जो है उनकी बहुत ही ज्यादा वीक हो, लेथार्जी हो, तो उन केसेस में अगर हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हो रही हो तो वेनेडियम जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। उन केसेस के लिए हमें वेनेडियम को 200 पोटेंसी में यूज करना है। वेनेडियम की दो दो बूंद आधे आधे घंटे में 3 बार और 2 से 3 दिन के लिए अगर हम पेशेंट को देते हैं तो आप देखेंगे कि ये एकदम से पेशेंट की जो हाइपोक्सिया की कंडीशन है उसको ठीक करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। इसके साथ ही जो फ्रेंड्स एक और मेडिसिन है ब्राइनिया, जो बहुत ही अच्छा काम कर रही है इन केसेस में, जहां पर पेशेंट को चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होती है, जब भी उसको खांसी होती है, जब भी उसको कफ होती है, तो पेशेंट जो है वो अपनी चेस्ट को होल्ड करता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जैसे ही वो खांसी करेगा तो उसकी जो चेस्ट है वो फट जाएगी खांसी की वजह से। तो उन केसेस में जहां पर बहुत ज्यादा कफ हो रही हो, जहां पे निमोनिया डेवलप हो रहा हो, पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही हो, और पेशेंट थोड़ा सा भी चलता है तो उसको बहुत ज्यादा खांसी होनी शुरू हो जाती है, और पेशेंट जो है वो रेस्ट करना चाहता है, वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करना चाहता है, उस केसेस में ब्राइनिया जो है वो बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन की तरह काम करती है। इस केसेस में आपको ब्राइनिया जो है वो 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी कुछ मेडिसिन की जो कि कोविड केसेस में बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रही हैं ठीक करने के लिए। होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप ये वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच।